Hello viewers, welcome back to the channel and I hope you all are doing good. And yes, I know I'm uploading after a short break because I was busy somewhere and I was not getting time to edit my videos. Finally time mila edit karne ka, to kal puri raat baith ke edit kari aur aaj upload kar di. To kuch khas plan nahi kara aaj ki ride mein, but yahan aaj long ride hone wali hai. So today the first destination will be Gafar Market, which is around 15 kilometers from my place. एंड मुझे वहाँ पर आईफोन्स के बारे में कुछ चेक करना था और आप लोग को भी एक रफ आइडिया दे दूंगा वहाँ की शॉप्स की सिचुएशन के बारे में. आई एम नॉट गोना फुली एक्सप्लोर इट, बट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूंगा कि वहाँ एग्जैक्टली होता क्या है. टाइम अभी अराउंड 1:30 बज रहे हैं दोपहर के और अप्रॉक्सीमेटली मुझे 1.5 आवर्स तो लग ही जाएंगे क्योंकि मैं फास्ट चला के नहीं जाऊँगा. डिस्टेंस भी लंबा है, तेज़ चलाऊँगा तो फिर थकान भी जल्दी होगी. फॉर्चुनेटली धूप भी काफ़ी कम है एंड लॉन्ग डिस्टेंस राइड पे यू शुड ऑलवेज राइड एट मॉडरेट स्पीड्स. करोल बाग के बाद वाली डेस्टिनेशन अभी डिसाइड नहीं करी है तो वहीं पर डिसाइड कर लेंगे. सो स्टिक टू द स्क्रीन, टर्न अप द वॉल्यूम एंड आई होप यू ऑल एंजॉय द वीडियो. लेट्स गो. I have reached India Gate and यहाँ से सिर्फ मुझे 15 से 20 minutes ही लगेंगे क्योंकि यहाँ से सिर्फ 4 से 5 kilometers ही distance है. तो चलते हैं. Feel uninvited, left home in West LA, I'm not excited. So uninspired, on my way to play the bay. सो व्यूअर्स, फाइनली वी हैव रीच द मार्केट. जैसा कि आप देख सकते हैं पहले से कंपेयर करो तो लोग कम हैं, बट जिनको निकलना है वो तो निकल ही रहे हैं. बाकी चलो लेट्स सी. एक्चुअली मुझे एक आईफोन का प्राइस पता करना था. मैंने पहले से 2 डील्स देख रखी थी लेकिन मेरे माइंड में चलो एक बार गफार में भी चेक कर लेते हैं कितने का होता है. इसी बहाने राइड भी हो जाएगी और व्लॉग भी बन जाएगा. एज यू कैन सी यहाँ पर आईफोन्स के अलावा और कोई फ़ोन दिख ही नहीं रहा है. And I would suggest not to purchase from here because most of the phones यहाँ पर refurbished और repaired होते हैं, तो आपको काफ़ी ध्यान से चेक करके लेना होगा अगर ले भी रहे हैं तो. So viewers, unfortunately मुझे यहाँ पर फिल्म करने से मना कर दिया गया shops के बाहर, तो अब मैं फिल्म नहीं कर पाऊँगा. तो basically यहाँ का scene ये था कि most of the phones आपको repaired या फिर refurbished condition में मिलते हैं. Repaired as in screen replaced, अंदर के इंटरनल रिप्लेस्ड, और रिफर्बिश में यही करते हैं कि उसमें नए पार्ट्स लगा के रिटर्न फोन्स में उसको दोबारा सेल आउट कर देते हैं. भाई प्राइसेस और बात तो ऐसे कर रहे थे कि फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ से फ़ोन परचेज नहीं करें तो अच्छा होगा. क्योंकि इफ़ यू आर इनएक्सपीरियंस और आपको टेक के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप, मैं सही बता रहा हूँ, आप लुट जाएंगे यहाँ पर. क्योंकि प्राइसेस यहाँ पर ऐसे बोल रहे हैं कि एकदम नए फ़ोन्स बेच रहे हो लेकिन फ़ोन में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही है. फॉर एग्जांपल मैंने आईफोन 8 प्लस के बारे में पूछा था और उसका प्राइस वो 30,000 बोल रहे थे और मैंने हाथ में लेते ही बता दिया उसका फ्रंट डिस्प्ले जो था वो रिप्लेस था. एंड नो वंडर और क्या क्या रिप्लेस हुआ होगा उसमें. सो मैं यही कहूँगा आपसे कि इससे बेटर डील्स आपको OLX पे मिल जाएंगी. एंड इफ़ यू पीपल प्लान टू परचेज सेकेंड हैंड आईफोन्स तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी. फर्स्टली कमिंग टू द बैटरी, तो बैटरी हेल्थ आपका 85% से ऊपर होना चाहिए. सेकेंड, इट शुड नॉट बी मोर देन 1.5 ईयर्स ओल्ड. थर्ड, चेक फॉर द बॉटम स्क्रूज की उसके ऊपर कोई निशान वगैरह नहीं है, क्योंकि अगर निशान होते हैं तो चांसेस होते हैं कि वो फ़ोन रिपेयर्ड है. फोर्थ, चेक इफ ऑल द फंक्शंस आर वर्किंग प्रॉपरली लाइक कैमरा, स्पीकर्स एंड योर माइक्रोफोन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेक इफ देर आर एनी मेजर स्क्रैचेज और स्कफ्स ऑन द बॉडी ऑफ द फ़ोन. एंड अगर आप लोग को और भी डाउट्स हैं इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पिंग कर सकते हैं, विच इज़ SHARRIXZ शारिक्स, एंड आई विल रिस्पॉन्ड यू देर एज सून एज पॉसिबल. तो चलो अब थोड़ी भूख लग रही है तो देखते हैं यहाँ पर खाने के लिए क्या मिल सकता है हमें.
सो व्यूअर्स, बर्गर किंग इज़ ऑन द वे, तो मैंने वहीं डिसाइड करा है जाने के लिए, तो वहाँ पर जल्दी से ऑर्डर प्लेस कर देंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और सेफ भी है वो। सो गाइज, आई हैव प्लेस द ऑर्डर एंड इट इज़ गोना टेक अराउंड 10 मिनट्स। उतनी देर में मैंने पानी की बॉटल भी रिफिल करवा ली है और प्यास भी काफ़ी लग रही थी, तो चलो। तो यहाँ पर मुझे बैठने की जगह मिल गई है और सबसे ज़रूरी चीज़, हैंड सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी। एंड ये रहा हमारा बर्गर, तो अब चलो खाना शुरू करते हैं। यार कितने दिनों बाद बर्गर किंग खाने को मिल रहा है, और फॉर्चुनेटली इस बार इन्होंने फिलिंग भी बिल्कुल ढंग से डाली है। व्यूअर्स, दो बर्गर खा लिए, मेरा पेट बिल्कुल भर चुका है। अब हम लोग CP की तरफ निकल रहे हैं, वहाँ से हम लोग फिर अक्षरधाम की तरफ निकलेंगे। देखते कितना टाइम लगता है यार पहुँचने में, काफ़ी थक गए। और ये देखो सुपर बाइक्स। तो व्यूअर्स, पहुँच चुके हैं हम लोग CP, और अराउंड 20 किलोमीटर्स मैंने अभी तक कवर कर लिए है। और मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो रहा था, तो मुझे पता था यहाँ पर फ़ोन चार्ज करने का मुझे स्लॉट मिल जाएगा। यहाँ पर USB हब बना हुआ है, जहाँ पर बहुत सारे फ़ोन एक बार में चार्ज हो जाते हैं, तो जब तक सफिशेंटली चार्ज नहीं हो जाता मेरा फ़ोन, तो मैं यहीं पर रुकना पड़ेगा मुझे। सो व्यूअर्स, माई फ़ोन इज़ सफिशेंटली चार्ज अराउंड 80%, जो NFIB के लिए, और यहाँ भी मैं 6 महीने बाद आ रहा था, और ज़्यादा रश देखने को नहीं मिला यहाँ पर भी। मतलब यार नॉर्मल सा ही लग रहा है सब कुछ, बस एक मास्क नेसेसरी चीज़ हो गई है, जिसके बिना घूमने का मतलब ही नहीं बनता। जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट कि सब पहले की जैसा नॉर्मल हो जाए इंशाल्लाह जल्दी से। सो व्यूअर्स, आर नेक्स्ट डेस्टिनेशन विल बी अक्षरधाम टेम्पल, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, एंड अराउंड हाफ एन आवर से 45 मिनट्स तक लगेंगे मुझे वहाँ पहुँचने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक। एंड आई रियली होप यू ऑल आर नॉट गेटिंग बोर्ड, सो आई विल सी यू देयर। After around half an hour of ride, I have reached Akshardham Temple, and it looks really, really beautiful while chasing that sunset. तो यहाँ पर मेट्रो वॉक पे बैठ के थोड़ा सा रेस्ट लूँगा, एंड विल लुक फॉर अ प्लेस जहाँ पर मेरी वाटर बॉटल रिफिल हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ा रेस्ट ले लिया, और मेट्रो स्टेशन के पास हल्दीराम्स था, और वहाँ पानी की बॉटल भी भर गई। अब यहाँ से अराउंड 15 किलोमीटर्स की और राइड है, और बज रहे हैं 5:30, और घर पहुँचने में तो मुझे लग जाएगा अब टाइम, तो चलो मिलते हैं। As you people know कि मानसून चल रहा है, एंड द ग्रेडियंट विच इज क्रिएटेड बाई सनसेट इन द स्काई ईच एंड एवरी डे इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। मतलब यार हर दिन अलग अलग कलर के स्काई देखने को मिलते हैं, एंड इट फील्स लाइक पूरे टाइम देखते रहो। सो लेट्स गेट टू होम एज सून एज पॉसिबल वाइल एम्ब्रेसिंग द ब्यूटी ऑफ द स्काई। गाइज, इट्स फाइनली टाइम टू एंड द व्लॉग। 8 बजने वाला है, एंड आई हैव अप्रॉक्सीमेटली कवर्ड अराउंड 55 किलोमीटर्स टुडे, विच इज़ माई बेस्ट टिल नाउ। येस, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट बॉक्स। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन इफ यू हैवंट ऑलरेडी। आई होप यू ऑल एन्जॉयड द वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, स्टे फिट एंड स्टे सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट वन।